हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। ये चीक मेरी थी भैया। तू करते हो ये सब? फीमेल वर्जन हमारा एक्सपेरिमेंट का। तो गाइस यहां आप देख सकते हो इतनी सारी मेरे पास लैपटॉप की बैटरी है बॉस। तो भैया ये सारी की सारी खराब है, बिल्कुल छिती भी है, पिटी भी है। तो गाइस लोग करते क्या है, या तो भाई इन्हें फेंक देते हैं या इनको रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब ना आज इन्हें फेंकेंगे ना आज इन्हें रिपेयर करेंगे। भैया आज इन बैटरी से यानी 18650 डेड लैपटॉप बैटरी से हम एक न्यू बैटरी बनाएंगे। अरे हाँ बस हो गया। तो गाइस अबे हो गया, कभी कभी हमारे एडिटर साहब थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो गाइस काफी मजा आएगा। प्लीज दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर भाई नहीं देखी फिर आप मुझसे कहोगे समर भाई ये हमारे समझ में नहीं आया, ये हमारे समझ में नहीं आया। 100% वर्किंग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ऐसा डे ना आपने कभी देखा होगा ना कभी सुना होगा। चलेगा चलते अपने ट्रैक पर। चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस जैसे मैं गया था ऐसी वापिस आ गया। तो भैया इतनी सारी बैटरी है इनमें से कौन से ले? बाब आदम के जमाने का एक ट्रिक है, टिप्स है, वो देखेंगे। तो भाई जा आधा पाधा किसने पाधा, चलिए वाली लेते हैं। तो भैया ये रही बिल्कुल साफ सुथरी बैटरी और मैं आपको चेक करूंगा कि भाई ये खराब है। तो ये रहा मल्टीमीटर और देखिए वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे, देख रहे हो बिल्कुल खत्म मामला। अगर मैं आपको दिखाऊं कभी आपको लगेगी भाई फेक बता रहा। नहीं यार इसमें तो यार पॉइंट में भी ना आ रहे। हाँ आ रहे हैं ना, हाँ आ रहे हैं कुछ, मतलब ये बिल्कुल खराब है। और भाई यकीन मानिए आप इस काम के लिए जो मैं बैटरी बना रहा हूँ आप इसके लिए मोबाइल की बैटरी जो कि लिथियम पॉलीमर बैटरी होती है या 18650 लैपटॉप की बैटरी जो कि लिथियम आयन बैटरी होती है, दोनों में से कोई भी बैटरी ले सकते हो। तो भैया इस बैटरी हम काटने वाले हैं, यहाँ से भी और भाई साहब ऐसे सीधा भी यहाँ से काटूंगा, ठीक है। तो गाइस सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो गाइस आप जानते हो इसमें काफी पावर होती है, आग भी लग सकती है। तो भैया अब मैं यहाँ से भी काटूंगा और भाई यहाँ से ऐसे भी काटूंगा। तो भाई इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए। तो भैया जी अब हमें इसे खोलना है कहीं से भी जहाँ से ये खुला हुआ हो। पहले तो थोड़ा सा काटना पड़ेगा और ससुर है नाती को पहले हटा देते हैं। ये खुल गया भैया, इसके ऊपर लगाते रहो जैसे है ऐसे ही रखते रहो। बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है पूरे स्टूडियो में, बाद में करेंगे ना ठीक है। इतना वैसे बहुत है भाई। जी बन के भाई पूरी की पूरी गड्डी जब फाड़ देगी सबकी चड्डी, पता ना चड्डी को फटती है। एक्स्ट्रा है थोड़ा सा निकाल देते हैं और भाई इसे थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं बस। इससे भाई ये थोड़ा इधर उधर भागना। अब भाई साहब इसे हम करेंगे ऐसे और इसके ऊपर कुछ रखेंगे, मतलब इसे दबाना पड़ेगा, आपसे काम नहीं करेगा ना ये। अब गाइस इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं यानी कि कितने आउटपुट ये दे रहा है। फिर भी गाइस आपको मोटा मोटा बता दूं इसमें कॉपर है, एल्युमिनियम है और सेपरेटर है, लिथियम है और भाई मेटल ऑक्साइड की कोटिंग है। और भाई इसमें जो कॉपर होता है वो होता है नेगेटिव और जो एल्युमिनियम होता है वो होता है पॉजिटिव मिड वाला, ठीक है। कभी आप इसे उल्टा समझो ऐसे ही होता है, आप जाकर चेक कर सकते हो मेरी वीडियो को, मैंने बिल्कुल लाइव दिखाया। तो भाई इसके वोल्टेज हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे वोल्टेज शो नहीं करेगा, ऐसे करेगा जैसे गाइस होता है बैटरी में। तो चाहो तो मैं ऐसे रहने दूं या चाहो तो आप घुमा सकते हो, चलो ऐसे रहने देते हैं। आप वोल्टेज देखिएगा क्या क्या है, कैसे दिखा रहा। देखिए भाई साहब मैं इसे थोड़ा नीचे लगाता हूं, है ना नीचे। अब देखिए भाई देखिए अलग जगह अलग, देखिए 1 तक आए, ठीक है। मैं यहाँ लगाता हूँ इसे बिल्कुल आपके सामने लाए हुए, ठीक है। इसे ज़रा सही से लगा लेते हैं, देखिए इस 1.38 वोल्टेज बिल्कुल लाइव दिखा रहा है, कोई फेक नहीं, ठीक है। निकालता हूँ, देखिए यहाँ नहीं आएंगे ऐसे लगे, देखिए अलग अलग जगह अलग अलग वोल्टेज आएंगे, देखिए परतों पर, ठीक है। लेकिन देखिए मैं इसे यहाँ लगाता हूँ और देखिए 1.36 इसे हटाता हूँ, देखिए वोल्टेज धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बल्कि देखिए 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 ज़्यादा हो गए, देखिए 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 देखिए, है ना। तो भाई इसे थोड़ा दबाएंगे ना, देखिए सही है। तो भाई इसे हमें दबाना भी होगा, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ जिससे गाइस सारी जो प्लेटें मिल जाए। यानी गाइस लगभग 2.5 वोल्ट तक इसके आउटपुट आ रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव गाइस मैंने आपको बता दिया, जो एल्युमिनियम वाली है वो पॉजिटिव है, जो कॉपर वाली है वो नेगेटिव। अब भाई दिक्कत है कि इसे दबाना होगा, अगर भाई हम इसे ऐसी वायर लगा देंगे तो भाई ये सब बिखर जाएगा उधर। तो गाइस हमें इसे ऐसे दबा के बैटरी बनानी पड़ेगी जैसे गाइस बैटरी दबके बनती है। इसके लिए मैं ले रहा हूँ ये पीवीसी की शीट, वैसे गाइस मुझे पता नहीं जरूरत थी नहीं, फिर भी लेकिन हम अपनी बेइज्जती कराने का काफी शौक है। लोग कमेंट करेंगे सर पीवीसी ना होता तो क्या होता, गुड क्वेश्चन। पीवीसी ना होता तो फ्लाई बोर्ड होता, बहुत सारी चीजें सनबोर्ड होता, एमडी बोर्ड होता, अरे बहुत सारी चीजें होती। लेकिन भाई हम वो चीज लेते हैं जो कि आसानी से मिल जाए, प्लस आसानी से उस पर हम काम कर सके। तो भाई फटाफट देखते हैं, पहले देखिए इसके बराबर ही है ये। तो भाई इसे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही काटेंगे जिससे गाइस लगे भी हाँ ये बैटरी हमने बनाई है। तो फिलहाल ये जैसा रखा था इसे इज्जत के साथ ऐसे रख देते हैं।
तो भाई मैंने दो पीस कट कर लिए हैं और इसे लगाना काफी हलवा है, पहले से बिल्कुल सीधा सीधा कर लो। ये भैया ऐसे दब गया भाई, इसको ऊपर ऐसे रखेंगे। हाँ मैं एक चीज भूल रहा, मुझे याद है, मुझे पता है इसकी वायरिंग करनी है और मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है। मैं इसको ऊपर फिलहाल तभी रख लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर आप दो तरह के वायर यूज कर सकते हैं, या तो आप ये ले लो कोटिंग वाला, ठीक है, या आप ये टिन वायर भी ले सकते हो। इसके बाद में इसे लगाना पड़ेगा, तो सोच रहा हूँ डायरेक्ट में इसी को ले लो और ये आसानी से मिल भी जाएगा। तो भाई अच्छे से कोटिंग हटा लेते हैं। पहले मैंने थोड़ा लंबा वायर लिया है, बस आई थिंक इतनी बहुत है भाई, ऐसी इसकी उतार लो। तो जैसा गाइस मैंने आपको बताया है, ये रहा नेगेटिव जो कोपर का है, तो भाई इसमें अच्छे से फैला लेंगे इस तरीके से। ओह चाहे तो आप इसे ऐसे लगा सकते हो, चाहे वैसे लगा सकते हो, मर्जी की बात है। ये हो गया भैया नेगेटिव, भाई ये इसका पॉजिटिव। तो गाइस इसके पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, कुछ भी करने से पहले आगे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। 1.40 वोल्टेज आ रहे हैं, इसे दबाने से फर्क पड़ता है, ठीक है, दबाऊंगा देख कम हो गए, मतलब ज्यादा में से नहीं दबा सकता, देखिए ठीक है, अपना वोल्टेज सेट हो जाएंगे 1.08, देखिए बढ़ रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। अभी मैं इसकी और देखता हूँ गाइस, अगर सेटिंग वायर के अच्छे से बैठ जाए, जिससे गाइस ये 2 वोल्ट तो निकाल दे, क्योंकि गाइस 2.5 वोल्ट तक ये पहुंच गया था। तो गाइस हम इसे ना ज्यादा दबा सकते और ना ज्यादा लूज कर सकते, एक ऐसा पॉइंट सेट करना पड़ेगा। 2 वोल्ट गाइस निकाले थे, तो भाई मैं फटाफट कोशिश करता हूँ और चिपका देता हूँ से, थोड़े से अच्छी से लगेगा भाई, जो एक्स्ट्रा ग्लू गन है उसे मैं काट देता हूँ। पहले तो भाई मस्त लग रहा है जो बात है, तो यहाँ तो ऐसे रहने का मतलब वायर कट जाएगा और भाई दिक्कत हो जाएगी इसे खोलने में। और गाइस वायर खींचने नहीं है, थोड़ा बहुत खींचोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैंने ग्लू गन लगा दी है, लेकिन फिर भी ज्यादा नहीं खींचने, वरना गाइस ये तार हाथ में आ जाएंगे और ये दिक्कत करेगी। वैसे गाइस बैटरी का वेट काफी हो गया, देख लेते हैं कितना हो गया। तो भाई ये रहा हमारा धर्म कांटा, ओ माय गॉड 63 ग्राम। हाँ तो गाइस ये पीवीसी शीट की वजह से वेट हुआ, वरना इसमें इतना वेट है नहीं वैसे। अब गाइस के एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, जब मैंने इसे लगाया था 1.6 या 6.5 था प्रो। ओहो 1.53, ठीक है देखा जाए तो। और गाइस अब वोल्टेज स्टेबल है, क्योंकि भाई हमने इसे चिपका दिया है, एक जगह वायर रुक गए हैं, वरना हिलाता रहोगा ना, तो गाइस ये अलग अलग वोल्टेज देते रहेगा आउटपुट। तो भाई 1.5 वोल्ट में हम क्या क्या चला सकते हैं। तो भाई ये एक LED, तो इसे चला के देखते हैं, पहले मैं लाइट बंद कर देता हूं। तो भाई ये जलाते हैं और मैंने बिल्कुल अंधेरा नहीं कराया, थोड़ी रोशनी है, तो ये कुछ इतनी जल रही है, मतलब कि जल तो रही है लेकिन जल भी नहीं रही। अब गाइस से देखते हैं, ये ड्रोन मोटर ये बहुत कम वोल्टेज लेता है, ये सोलर से भी चल जाता है, मतलब हल्का फुल्का से भी, वो देखते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है यार, ये चल गया, LED कैसे नहीं चली, देखिए भाई। ओ भाई हवा आ रही है, देखिए अगर मेरे बाल आपको दिख जाए उड़ते हुए, ओए ओए बाल पकड़ लिए भाई, लंबे बाल रखने में यही प्रॉब्लम होती है। गाइस LED चेंज करके देखते हैं, क्योंकि भाई जब मोटर चल रहा है तो LED भी थोड़ी ब्राइट चलनी चाहिए, है ना, वरना गाइस लगेगा भाई समर फेक बता रहा है। नहीं यार फेक का तो कोई मामला नहीं है, मैं आपको दोनों चीज एक साथ चला के दिखाऊंगा, मोटर भी और LED भी। तो भाई LED तो दूसरी भी ये जल रही है, ये पता नहीं जल रही नहीं जल रही है, आई थिंक जल रही है, इसे रखते हैं साइड में। और मैं इससे ये जो ड्रोन का मोटर है BLDC मोटर, इससे डायरेक्ट आपके सामने चला के दिखाता हूँ, जिससे कि भाई कोई आपको फेंक ना लगे। देखो भाई मस्त चल रहा है, ठीक है बिल्कुल बढ़िया यार, ये यार ये काफ़ी मस्त चल रहा है भाई, तेज भी चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 140 नंबर मोटर है और ये इससे हिल भी नहीं रहा यार आपके सामने, बेहेगी भाई ये रहा भाई, और ये ऐसे गया भाई हिल भी नहीं रहा। और इसी से भाई ये वाला चलाते हैं, ये तो खैर चली जाएगा भाई, जो LED वो काफ़ी ब्राइट जलती, मोटर भी चल जाता अगर बैट लगा था ना, तो भाई इसमें कुछ नहीं लग रहा, ये सही है, पता नहीं ये मोटर बड़ा चल रहा है ड्रोन मोटर, और काफ़ी कम वोल्टेज है। इसके वोल्टेज चेक करते हैं, 1.53 थे आपके सामने, ठीक है, और अब चेक करते हैं भाई कितने वोल्टेज इसमें हो गए हैं। ओए होए 1.4 हो गए हैं, यानी गाइस इसके वोल्टेज कम हो रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है, वोल्टेज तो भाई कम हो गई। अब गाइस इसे रिचार्ज करके देखते हैं कि भाई रिचार्ज हो रही है या नहीं हो रही है। मेरी पावर सप्लाई और इसे चलो सीधा 2 वोल्टेज कर देते हैं, पता लग जाएगी। और भाई लगाते हैं तो ये चार्ज नहीं हो रही है, हाँ ले रही है ले रही है ले रही है, हाँ तो गाइस ये चार्ज होगी नहीं होगी अभी देख लेंगे। तो 1.4 थे वोल्टेज, है ना, अब देख लेते हैं, हमने चुन्नू समय के लिए निकाली थी, हाँ 1.58, ओ माय गॉड वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं हो रहे हैं, सबसे खास बात तो भाई ये है, थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने देते हैं, नहीं ड्रॉप हो रहे, ओ हल्के से हो रहे
जब भी गाइस मैं कहता हूँ नहीं ड्रॉप हो रहे तभी ड्रॉप हो जाते हैं, पता नहीं भाई बेइज्जती करानी वो बात अलग है। एक तरह गाइस मैं आपको और बता रहा हूँ, अभी भागी मत ना, है ना, अभी कोई एंड नहीं हो रहा, देखता हूँ गाइस मैं आपको बिल्कुल लाइव और दिखा दूं। तो भाई ये मैंने एक बैटरी और कट कर दी है और इस बार गाइस मैंने इनको बिल्कुल बराबर काटा है। जैसे गाइस मैं आपसे कह रहा था कि आप इक्वल पीस काटो, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे ऐसे यहाँ रखता हूँ इस तरीके से और भाई इसे मैं ऐसे किसी भी लोहे के टुकड़े से दबा देता हूँ। गाइस मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको दोनों मेथड बिल्कुल लाइव दिखाऊं, आप जो सा चाहो बना सकते हो। एक तो गाइस बैटरी मैंने आपको बना के दिखा दी, आप ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर ऐसे रिजल्ट अच्छा है तो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है गाइस मैं अब ट्राई कर रहा हूं आपके सामने। तो भाई हमें इसे ऐसे नहीं लगाना क्योंकि गाइस यहां से तुमने कट करा है, ये ऊपर का एरिया है, ये जो एरिया अलग ही दिख रहा है, देखिए इसको ऊपर आपको यहां पर सेपरेट दिख रहा है, ये नीचे लगाते हैं। ओ भाई साहब देख रहे हो, ओ हो अभी गए थे उल्टे, अभी गए थे इससे, भाई अब चला के देखते हैं डायरेक्ट एलईडी। तो भाई ये रहा इसका, मैंने उल्टे लगा दिए हैं। तो भाई यहां मैंने लगा दिया एक जगह ऐसी भाई, और ओ हो जली 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 देख गाइस, इस बार काफ़ी तेज एलईडी जल रही है ना, यानी कि ऐसे हम इसे इसकी बैटरी गाइस बना सकते हैं, देखिए काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस की है। तो खैर गाइस मैंने आपको बिल्कुल हर चीज़ लाइव दिखाई है, अपने साइंस प्रोजेक्ट में इसे बना सकते हो। टीचर से कहना कि मैंने वेस्ट बैटरी से इस बैटरी को बनाया जो कि 100% वर्किंग है और काम कर रही है। मैंने आपको बता दिया किस किस चीज बनती है, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल होता है, 100% वर्किंग है और गाइस आप छोटी मोटी चीज चला सकते हो, हाँ हल्का फुल्का चार्ज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस आई होप ये जुगाड़, इसे आप होममेड बैटरी भी कह सकते हो, इस खराब बैटरी जो फेंक हमने 850 उससे बनाई है। तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जरूर बताएं ये जुगाड़ बैटरी आपको कैसे लगी।